ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भिवानी इलाके की राजनीति की जो नींव है वो तोशाम हलका है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। तोशाम विधानसभा से कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी ने भरा नामांकन। प्रदेश के युवा हरियाणा में बदलाव चाहते हैं अनिरुद्ध तोशाम। भिवानी जिला में आज कांग्रेस की तरफ से तोशाम विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के पौत्र अनिरुद्ध चौधरी ने अपना नामांकन दर्ज किया। इस मौके पर अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी, सड़कों सहित विभिन्न समस्याओं को निपटाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। तथा प्रदेश के युवा हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, इसी को लेकर उन्होंने आज अपना नामांकन कांग्रेस पार्टी से भरा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रोजगार व विकास को लेकर के जनता की आवाज उठाएंगे। अनिरुद्ध ने कहा कि ये चुनाव किसान खिलाड़ी पोर्टल वर्सेस का चुनाव है। उन्होंने कहा कि किसान खिलाड़ी व आम जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। भाजपा का जनाधार पूरे प्रदेश में ही खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपनी जिंदगी में जितना जोश कार्यकर्ताओं में देखा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से हटाना जरूरी है और यहाँ पर आपको जीतना जरूरी है, क्योंकि चुनाव आपका है। जिससे भी आप वोट मांगो, जिसको भी आप पक्का करो, मैं खुला कह रहा हूँ, मेरी तरफ से वोट देना जायज। सामने 7,000 मिलेगा भाई। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और जनता ने मन बना लिया है। और सारे जो तोशाम के लोग हैं, तोशाम के जो जनता है, जो अपने साथी हैं, भाई हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अपनी टीम बना के अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने लग रहे हैं और टीम वर्क से ही चुनाव लड़ा जाता है। तोशाम विधानसभा किस मायने में खास है, यहाँ के क्या मुद्दे आपको लगते हैं? तोशाम विधानसभा इस मायने में खास है कि भिवानी इलाके की राजनीति की जो नींव है वो तोशाम हलका है। और यहाँ पर मुद्दे, कुछ तो मुद्दे वो हैं जो पूरे हरियाणा में, जैसे बेरोजगारी। और हमारे यहाँ पर जो एक और बात है वो ये है कि पीने के पानी की दिक्कत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।